हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडीआर द मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। दोस्तों, इसमें हम तीन भाग कंप्लीट कर चुके हैं और तीन भाग में हमने 57 क्वेश्चन कम्प्लीट किए थे। दोस्तों, आज भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर हुआ 58। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 58। अगर दोस्तों आपने पिछले तीन भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप उन तीन भाग को देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इनका डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना हमारा अभी का जो क्वेश्चन का टाइप है वो क्या है भाई, जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। बहुत ही आसान टाइप है, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखना, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, वहाँ से समझते हैं भाई। दो रेलगाड़ियाँ एक स्थान से दो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है। कैसी दिशा है, एक ही दिशा, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रखिए, इनकी चाल दे रखी है कितने, 45 और 40 है। आगे बोला, तदनुसार 45 मिनटों बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। क्या पूछा, डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, स्पीड इंटू टाइम, यही तो फॉर्मूला था भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर मुझे दूरी निकालनी है तो मुझे चाल पता होनी चाहिए और समय भी पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन के अंदर चाल और समय गिवन है भाई, गिवन है। कितना कितना भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसी दिशा है, सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा, और जब एक ही दिशा हो तो मैंने क्या बताया था भाई, ज़्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कब, जब सेम डायरेक्शन हो तब, और अपोजिट हो तो क्या कर देते, दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ही दिशा है तो 45 में से 40 को कर दिया मैंने माइनस। ठीक है, इनटू समय कितना दे रखा है, समय दे रखा 45 मिनट। अब यहाँ पर आपको यूनिट का भाई बहुत ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी। अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखना है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है, और जो समय जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, घंटे में। क्यों, क्योंकि हमारी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसे भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। और मिनट को घंटे में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 60 से भाग लगा देते हैं। सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा भाई, 45 में से 40 को माइनस करें कितना, 5 बचेगा भाई, इस 15 से कट जाएगा 3 बार, 15 से 4 बार, 5 इंटू 3 अपॉन 4, 5 का 3 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 4 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन इस तरीके से आंसर नहीं दिया तो क्या करेंगे भाई, 4 का भाग लगा दो भाई, कितनी बार, 4 या 12, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, इस शेष फल 3 में 4 से फिर भाग लगा दूँ, 3 सही 3 बट्टे 4 किलोमीटर, ये आंसर हो जाओ आप कह रहे हो आंसर ये भी नहीं, कोई परेशान नहीं होना भाई। अब इस 3 बट्टे 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो तब तो आंसर आएगा, 3 बट्टे 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, और मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुणा। तो देखना 4 से कितनी बार कट जाएगा, 250, इस 250 का 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 750, यानी इस 3 बट्टे 4 किलोमीटर क्या मतलब है, 750 मीटर, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना, 3 किलोमीटर तो भाई है ये, और इस 3 बट्टे 4 का मतलब क्या है, 750 मीटर, ये आपका जो आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, और उम्मीद करूँगा आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा भाई, 59। तो देखो, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए 59, और 59 क्या कहता है भाई, दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 पर चलती हैं। तो कहाँ से चलती हैं भाई, चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से, तो मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट आपका दिल्ली है। ठीक है, और दिल्ली से कहाँ जा रही है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को मैं लिख दिया सी और दिल्ली को लिख दिया डी। ठीक है, आगे बोलना क्या बोला, कितने बजे, 6 बजे, एक गाड़ी चलती है 6 बजे और एक चलती है 6:30 पर, दोनों का टाइम भी लिख दिया, और उनकी चाल क्रमशः कितनी दे रखी है, 60 और 75। जो 6 बजे चलती है इसकी चाल कितनी भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी,
दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर, यानी यहाँ से इधर को कितनी दूरी पर मिलेंगे, क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मुझे स्पीड और टाइम पता हो तो डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है, एक गाड़ी चलती है 6 बजे और एक चलती है 6:30 बजे, 6:30 पर। तो भाई एक चीज़ बताना, ये 6 बजे चली, ये चली 6:30 पर, तो ये जो 6 बजे जो चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 6:30 तक कुछ दूरी तय करेगी कि नहीं करेगी, करेगी भी। तो मैं निकाल लेता हूँ कि जो 60 की स्पीड से चल रही है ये 6:30 तक कितनी दूरी तय कर लेगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू टाइम कितना भाई, कब तक निकाल रहा हूँ, 6:30 तक। क्यों, क्योंकि ये गाड़ी अभी चली नहीं है, तो जब तक चलेगी नहीं तब तक का मैं आप इसका क्या निकाल लेता, दूरी निकाल लेता हूँ। तो बताना समय कितना, समय हो गया 30 मिनट, और इसे घंटे में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 60 से भाग, यानी कि 1/2 घंटे। तो यहाँ रख दो भाई 1/2, 2 से कट जाएगा 30 बार, यानी कि 30 किलोमीटर, यानी कि जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी उसने 6:30 तक 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। मैंने मान लिया यहाँ तक कितना हो गया 30 किलोमीटर। अब मुझे एक चीज़ बताना, अब जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे, अब ये चलना स्टार्ट करेगी, तो एक चीज़ बताना, ये तो भाई गाड़ी आगे निकल चुके, कितनी आगे निकलेगी, 30 किलोमीटर। इसने क्या बोला, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, इसने पूछा है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, कब मिलेंगी भाई, जब 75 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ी इसको पकड़ लेगी तभी तो मिल पाएंगे, अगर ये इस गाड़ी को ना पकड़े तो कैसे मिल पाएंगे, यानी कि इसे पकड़ना पड़ेगा। तो मुझे ये निकालना था कि इसे पकड़ने में इसे कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। बताना कितने किलोमीटर आगे निकल गई है भाई, 30 किलोमीटर आगे निकल चुकी, कौन सी है, तो 30 किलोमीटर भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड बताओ, ये भी गाड़ी चल रही है और ये भी गाड़ी चल रही है, दोनों गाड़ी चल रही हैं, और जब दोनों गाड़ी चल रही हैं दिशा कैसे, एक ही दिशा है भाई, एक ही दिशा होगी तभी तो ये इसको पकड़ पाएगी, और जब एक ही दिशा हो तो स्पीड को क्या कर देते हैं, ज़्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को माइनस कर देते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना हो जाएगा, 30, चाल कितनी 75 में 60 माइनस करेंगे 15, यानी कि समय कितना आ जाएगा, 2 घंटे। यानी कि ये जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से जो गाड़ी चल रही थी ये इसको 2 घंटे में पकड़ लेगी, अगर 2 घंटे में पकड़ लेगी यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे। तो भाई निकाल दो कितनी दूरी तय करेगी ये भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी 75, समय कितना लिया इसने 2 घंटे, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तब इसको पकड़ पाएगी, किसको, इसको। तो यही तो पूछा है इसने, कहाँ से चलिए भाई, यहीं से चलिए, और यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया यहाँ पकड़ लिया इसको, तो कितनी दूरी तय की भाई, 150 किलोमीटर। और क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा कि दिल्ली से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, यानी कि 150 किलोमीटर पर। आप आंसर इसका इससे भी दे सकते हैं, कैसे भाई, देखो इसने जो लिया यहाँ से और यहाँ तक जो समय लिया कितना लिया, 2 घंटे। अगर आप इससे निकालेंगे इस वाले से 6 बजे वाले से, तो इसने जो 2 घंटे लिया वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिया है, 30 किलोमीटर पहले चल ली और 2 घंटे इसने कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक लिया, और जो 75 की स्पीड चल रही उसने टाइम यहाँ से और यहाँ तक लिया। तो अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो इससे भी निकलेगा, तो देखना 1 घंटे में कितने 60, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 120 तो यहाँ से यहाँ तक, और 30 पहले चल चुके हैं तब भी आंसर कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आपका आंसर जो होगा कितना होगा, 150 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन था भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 60, और ये भी क्वेश्चन भाई आसान है, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन को भाई पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ठीक है। तो देखना भाई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 60, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है मालगाड़ी की गति, क्या निकालनी है, मालगाड़ी की गति निकालनी है, मालगाड़ी की चाल निकालनी है। तो बताना मालगाड़ी की अगर आपको चाल निकालनी है तो कैसे निकलेगी भाई, क्या फॉर्मूला होता भाई, दूरी बट्टे समय, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि मालगाड़ी ने कितनी दूरी तय की और उसने कितना समय लिया, तभी तो हम मालगाड़ी की चाल निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखना भाई क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्या बोला इसने, यात्री गाड़ी एक स्टेशन से, मैंने कोई स्टेशन ये मान लिया, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत आसान है। यात्री गाड़ी
एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, मालगाड़ी पहले चली जाती है। मैंने माना कि इस स्टेशन चलती है और वह 6 घंटे में मैंने मान लिया यहाँ आ गई भी मालगाड़ी। भाई 6 घंटे में कुछ दूरी तय करेगी नहीं करेगी, तो मैंने मान लिया मालगाड़ी यहाँ से चली और 6 घंटे में इस पॉइंट पर आ गई। कितने घंटे में? 6 घंटे में कौन? मालगाड़ी। अब इसने बताया कि 6 घंटे बाद मालगाड़ी अब चलती, सॉरी यात्री गाड़ी चलती है। 6 घंटे बाद कौन चलती है? यात्री गाड़ी। कहाँ से? इसी पॉइंट से। और इसे कितने घंटे पकड़ती है? 4 घंटे में पकड़ लेती है। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर। किसकी? यात्री गाड़ी की स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितने घंटे में पकड़ लेती है? 4 घंटे। किसको? मालगाड़ी को। अब एक चीज़ बताना, मालगाड़ी तो चली रही है पहले से और अब यात्री गाड़ी ने चलना स्टार्ट कर दिया, तो एक चीज़ बताना, अगर इसे 4 घंटे में पकड़ेगी तो मालगाड़ी भी तो 4 घंटे में कुछ दूरी अभी और तय करेगी। तो देखना, 6 घंटे तो यहाँ तक तय कर ली, 4 घंटे और बचे। मैंने मान लिया कि 4 घंटे में उसने यहाँ तक दूरी तय कर ली, यानी कि मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो गया? 10 घंटे। और यात्री गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना? 4 घंटे। भाई यात्री गाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक जो समय लिया उसको पकड़ने में कितना लिया? 4 घंटे, क्वेश्चन के अंदर दिया है। और मालगाड़ी 6 घंटे तो पहले चलती है और फिर उसके 4 घंटे बाद पकड़ी जाती है, यानी कि मालगाड़ी ने यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तय करने में जो समय लिया वो कितना लिया भाई? 6 और 4 कितना? 10 घंटे। कितना लिया? 10 घंटे। और यात्री गाड़ी ने कितना लिया? 4 घंटे। अब तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हमें जो है मालगाड़ी का समय तो निकला है। कितना लिया मालगाड़ी ने समय? 10 घंटे। तो देखना, हमें मालगाड़ी की चाल निकालनी है तो समय कितना आ गया? 10 घंटे। अभी मुझे दूरी नहीं पता, तो दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यात्री गाड़ी की मुझे चाल भी पता है और यात्री गाड़ी का समय भी पता है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि डिस्टेंस कितनी। भाई स्पीड है 90 × टाइम कितना? 4, यानी कि 360 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 360 किलोमीटर। भाई दूरी तो दोनों ने बराबर तय की है, बस समय दोनों ने अलग ले लिया। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड कैसे अलग अलग है, तो समय भी अलग अलग लेंगे। तो देखना दूरी कितनी भाई? 360, यानी कि 360/10। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि मालगाड़ी की जो चाल निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया था क्वेश्चन को दोबारा से इसकी लैंग्वेज सुनिए जो मैंने बोला है, क्वेश्चन आपको जो समझ आ जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, और आपका अच्छा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप क्या आपका? जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलें, एक दूसरे की ओर यानी कि आमने सामने से, यानी कि विपरीत दिशा में चलें, ठीक है। तो और एक चीज़ बताना, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन दोनों की चाल क्या होती है? जुड़ती है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशा में जाती हैं। तो मैंने मान लिया भाई को ये दो स्टेशन है और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली? 200 किलोमीटर, ठीक है, यहां से और यहां तक की। आगे क्या कहता है? और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। कितने पे? 110 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया कि यहां से और यहाँ तक मान लो मैंने कितना मान लिया? 110 किलोमीटर। मान लो यहाँ पर आके ये मिल जाती हैं, चलो इधर का थोड़ा ज़्यादा ले लो 110 है, तो इधर मान लेता हूँ चलो थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक मैं 110, तो इधर का कितना होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना? 110, क्योंकि टोटल कितना? 200 है। मैंने मान लिया कि यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाती है, ठीक है। आगे क्या बोला इसने? एक दूसरे को पार करती हैं, तदनुसार उन रेलगाड़ी की गति का अनुपात कितना है? क्या निकालनी है हमें? स्पीड का रेशियो निकालना। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, मैं आपसे पूछू को बताना, यहाँ से और यहाँ तक लिया गया समय और यहाँ से यहाँ तक लिया गया समय क्या अलग अलग होगा या बराबर होगा? क्या अलग अलग होगा या बराबर होगा? तो देखना, जो समय लिया गया वो क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? ऐसे समझना, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से 12 बजे चलती, मैं आपको लिए समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया ये गाड़ी 12 बजे चलती है और ये भी आपकी क्या बजे? 12 बजे, दोनों साथ साथ चलती हैं। अब मैंने कहा भाई ये दोनों 12 बजे चली और एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में, और मैंने मान लिया कि ये 3 बजे मिल जाती हैं दोनों। तो एक चीज़ बताना मुझे,
यहाँ से यहाँ तक जो समय लिया गया इसके द्वारा कितने बजे, 12 से 3 बजे तक, कितना 3 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक समय कितना 3 घंटे, यानी कि जब तक जो मिलती हैं तब तक उनके द्वारा लिया गया जो समय होता है क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कब, जब दोनों एक ही समय पर स्टार्ट हो, एक ही समय पर शुरू हो तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो मैं यहाँ क्या समझा रहा था, इनके द्वारा लिया गया समय कैसा, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट यानी कि दोनों के द्वारा लिया गया समय वो कैसा है, बराबर है। ये चीज़ के लिए भाई समय कैसा है, बराबर है। तो देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं आपसे पूछूँ कि डिस्टेंस का अगर रेशियो देखें तो कितना, 110 एक ने चली, दूसरे ने कितनी चली, 90। टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट। तो बताना अगर टाइम कॉन्स्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है भाई, दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, चाल गुणा समय। मैंने बताया समय कॉन्स्टेंट है, समय चेंज नहीं हो रहा है, जितना समय इसने लिया उतना ही समय इसने लिया, तो बताना डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होगा, ये तो चेंज हो नहीं रहा, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, यानी कि स्पीड भी कितनी आएगी, 110 और 90। लेकिन हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, अनुपात लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 11:9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा भाई, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, और क्वेश्चन नंबर 62 कहता है दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी, अच्छा रेलगाड़ी के नाम दिया है ना, चलो इसे मिटा देता हूँ मैं, देखना भाई क्या दिया क्वेश्चन में, दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं, कहाँ से, एक्स और वाई दो स्टेशन है, तो मैंने मान लिया ये दो स्टेशन है, एक का नाम एक्स दे दिया, एक का दे दिया बाई, ठीक है, और जो रेलगाड़ी का नाम क्या दिया, एक का नाम दिया ए और एक का दिया बी, क्या बताया इसने, एक एक्स से बाई की तरफ चलती है और दूसरी बाई से एक्स की तरफ चलती है। ठीक है, आए क्या बताया इसने, एक दूसरे को पार करने के बाद, मैंने मान लिया कि ये दोनों ट्रेनें किसी बिंदु यहाँ मिल जाती हैं, ठीक है, ये तो आ गई इधर से यहाँ और यहाँ से कहाँ गई, यहाँ पार करने के बाद हुए क्रम से 4:45 तथा 3:20 बाद बाई तथा एक्स पर पहुंचती है, इधर वाली गाड़ी कहाँ पहुंचती है, बाई पर, और इधर वाली गाड़ी कहाँ पहुंचती है, एक्स पर, कितना समय दिया मिलने के बाद का, 4:48, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय दिया है वो कितना दिया, 4:48 और यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया भाई, कितना दिया है, 3:20, 3:20 कब का है, मिलने के बाद का समय क्या है हमें, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी करवाया था, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा तो जरूर आपको याद आ रहा होगा, मिलने के बाद का समय क्या है, तो बताना ये जो समय लिया 4:48 किसने लिया, यानी जो इधर से जो गाड़ी जा रही थी, यानी कि ए गाड़ी का समय और ये किसका है, बी गाड़ी का समय। ठीक है, तो मैंने मान लिया इस ये समय यानी कि T1 समय दे दिया और इसको दे दिया भाई T2, और स्पीड मैंने इनकी दे दी S1 और इसकी दे दी S2। तो मैंने क्या लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था कि मिलने के बाद का समय ज्ञात हो तो S1/S2 बराबर T1/T2, और ये होता है कि इसमें रूट हमें, अच्छा S2। क्वेश्चन के अंदर ये देखेंगे, यदि A की गति दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, A की गति यानी कि S1 दे रखा कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई A का ही समय तो आइए, ठीक है, B की गति पूछ रहा है यानी कि हमें S2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखना भाई कितना है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है S1, ठीक है, 45/S2 बराबर रूट समय, T1 कितना दिया भाई 4:48 और T2 कितना दिया 3:20, तो ये जो मिनट में है इसे भी आप घंटे में चेंज कर लो, तो देखना 4:48 है तो 48 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो कितना 60 से भाग लगा देंगे 12 चौक 48 12 5 60, यानी कि 48 मिनट का मतलब 4/5 घंटे, यानी ऐसे लिख सकते हैं 4 घंटे तो है ये, और इस 48 मिनट का क्या मतलब 4/5, यानी कि 5 चौक 20 20 और 4 कितना 24/5 घंटे। ठीक है, ये तो मतलब निकला इसका, और 3:20 का भाई 3 घंटे तो है ये, और 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे 60 से भाग लगा देंगे 20 से कम 20 से 60, 3 3 9 9 कितना होगा 10/3। ठीक है भाई, इसे क्या लिखेंगे भाई, यही तो लिखेंगे 3 1/3, इसका क्या मतलब 3 3 9 9 कितना 10/3 घंटे। तो समय T2 निकला कितना 10/3 और T1 निकला 24/5, ऊपर आएगा T2 यानी कि 10/3 अपॉन कितना 24/5, इसे सॉल्व कर लो आपका आंसर निकल आएगा भाई। तो देखना
इससे जब सॉल्व करेंगे 10 भाई ये आपस में सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई अपॉन 3 × 24, ठीक है। तो देखना कुछ कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। 2 से ये 12 और 2 से कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन S2 बराबर देखेंगे 5 × 5, यानी कि रूट हट जाएगा भाई 5 × 5 है या फिर 25 है, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, इसी तरह कहीं से 3 × 12 कितना हो जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, ठीक है। 5 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार कट जाएगा, यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो देखना इधर क्या बचा, 1 बचा, S2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा S2 बराबर, और इस 6 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखना इस फॉर्मूले को याद रखना है, मिलने के बाद का अगर समय ज्ञात है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, यानी कि कितना आ रहा 54, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई आपका 63 है ना, 63वां। 63वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी क्यू जाने के लिए पी से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है। तो मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ पी और एक ले लिया क्यू, ठीक है। इधर मैंने पी लिख दिया और इधर लिख दिया क्यू, एक चलते पी की तरफ से और एक चलते क्यू की तरफ से, पी से चलती है क्यू की तरफ और क्यू से चलती है पी की तरफ। दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती हैं, तो मैंने मान लिया कि किसी बिंदु यहाँ पर मिलती हैं और कितनी देर बाद 6 घंटे बाद, यानी ये गाड़ी 6 घंटे में यहाँ आ जाएगी और ये गाड़ी 6 घंटे में यहाँ आ जाएगी। दोनों के द्वारा लिया गया समय कैसा होगा बराबर, ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाई थी, ठीक है। और यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा भाई, ये यहाँ से 6 घंटे में पहुँचते हैं और ये यहाँ से 6 घंटे में पहुँचते हैं। आए क्या बोला इसने भाई, पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी, पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चली है। तो देखना जो इधर से जो गाड़ी जाती है इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या है भाई, ज़्यादा है, यही तो बोला अधिक है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड ज़्यादा है। आगे बोला उसने क्या भाई, यदि पी से क्यू की दूरी 528 किलोमीटर है तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की गति। तो देखना यहाँ जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है पी और क्यू के बीच की कितनी है, 528 किलोमीटर है, और इसने जो स्पीड पूछी वो किसकी पूछी है, पी से क्यू की तरफ जाती है। तो बताना स्पीड अगर आपको निकालनी है तो क्या क्या पता होना चाहिए भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखना भाई पी से क्यू की तरफ, तो देखना यहाँ से यहाँ तक जो समय लिया कितना लिया 6 घंटे, तो मेरे पास समय तो है 6 घंटे, डिस्टेंस कैसे निकालूँगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसकी जो स्पीड है पी से क्यू की तरफ जो जाती है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल ज़्यादा है, किससे, जो इधर से चलती है। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो दूरी भी ज़्यादा तय करेगी, और कितनी दूरी ज़्यादा तय करेगी भाई, देखना कितनी दूरी ज़्यादा तय करेगी, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, कितनी दूरी ज़्यादा तय करेगी, चाल कितनी ज़्यादा है इसकी भाई, 8 ज़्यादा भाई, इंटू भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो निकाल लेंगे, यानी कि है 48 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करेगी जो क्यू से पी की तरफ आ रही है उससे, कितने 48 किलोमीटर। तो देखना डिस्टेंस को मुझे किसी का ना पता, मैंने मान लिया ये चलती है एक्स यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी चलेगी भाई, एक्स प्लस 48 कितनी चलेगी, थोड़ा छोटा है दिखाई दे रहा होगा, ये चलती है एक्स, तो ये कितनी चलेगी, एक्स प्लस 48, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो दूरी भी ज़्यादा चलेगी, कितनी 48 किलोमीटर। तो देखना यहाँ से और यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी 528, और ये कितनी एक्स प्लस 48 प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस 48 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 548, यहाँ से निकाल लेंगे 2x, x और x 2x, इस 48 को उधर ले जाओ 548 माइनस, ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं क्या कुछ, 548 है ना, 528 है, सॉरी 528, कोई बात नहीं, तो ये माइनस का हो जाओ 48, तो देखना इसे माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 0 12 में चाहिएगा 8 और 4 480, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग 480 में लाएंगे कितना 240, एक्स की वैल्यू निकल आई, यानी कि इसने जो दूरी तय की वो की कितनी 240, और इसने कितनी की भाई 240 और 48 कितना हो जाएगा 288, बस क्वेश्चन सॉल्व,
किसी की भी स्पीड पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस है टाइम ए, अगर पी से क्यू की तरफ जो जा रही है उसकी स्पीड पूछता है डिस्टेंस है टाइम ए, यानी कि डिस्टेंस जो कि उसने कही 288 लगा दो भाई, 6 चौके 24, 4 बचेंगे 6 48, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर भाई। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो इसका कौन सा भाई बी ऑप्शन हो जाएगा ना, 48 बी ऑप्शन। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 64, तो देखना भाई 64 क्वेश्चन क्या कहता है आपका। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं, कौन कौन से स्टेशन ए और बी। तो मैंने माने एक ए है और एक बी, ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी मैंने ये मान ली, ठीक है, और स्पीड जो दे रखी है कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है जो ए से चलती है, और जो बी से चलती है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला इसने, जब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली गाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, ए और बी के बीच की दूरी बताएं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले की तरह यहाँ 120 किलोमीटर ज़्यादा दे रखा, वहाँ क्या था, वहाँ स्पीड ज़्यादा बताई थी और यहाँ क्या बताया डिस्टेंस ज़्यादा बताया, कि डिस्टेंस ज़्यादा तय किया किसने भाई बताना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना भाई कौन सी वाली गाड़ी ज़्यादा दूरी तय करेगी, आप देखें ये तो चलती है 50 की स्पीड से और ये चलती है 60 की स्पीड से, तो भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही तो दूरी ज़्यादा तय करेगी, यानी कि ये वाली जो गाड़ी है ज़्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी ये देखना, ये 50 है वो 60 है, उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, उसकी स्पीड जो ज़्यादा है वो कितनी ज़्यादा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड क्या है ज़्यादा है भाई, और दूरी कितनी ज़्यादा तय करती है, डिस्टेंस कितनी ज़्यादा तय करती है 120 किलोमीटर। क्या मैं यहाँ से ये नहीं निकाल सकता कि जो 120 किलोमीटर की दूरी इसने ज़्यादा जो तय की है वो कितने समय में की होगी, बिल्कुल कर सकता हूँ। स्पीड कितनी ज़्यादा भाई 10 ज़्यादा, दूरी कितनी भाई, ये जो इसने 120 किलोमीटर दूरी ज़्यादा जो तय की है वो किसकी वजह से, क्योंकि भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा भाई, इसकी 50 है उसकी 60 है, कितनी ज़्यादा भाई 10 ज़्यादा, इस 10 की वजह से उसने 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की है। तो समय निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, समय बराबर क्या होता भाई दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 120 किलोमीटर, चाल कितनी ज़्यादा भाई 10, यानी कि इसने यह दूरी 12 घंटे में तय की है, कितने में 12 घंटे, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि इनके दोनों के जो मिलने का जो समय है वो कितना है 12 घंटे बाद मिलती है। अच्छा थोड़ा सा कौन सी ज़्यादा करती है, ये करती है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट इधर ले लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे, यानी कि इनके जो मिलने का समय कितना 12 घंटे, यानी कि ये लेती है 12 घंटे और ये भी लेती है 12 घंटे, कैसे भाई, ये यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे लेती है और ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे लेते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, क्या क्वेश्चन के अंदर स्पीड है, स्पीड तो है कितनी में 50 और कितनी 60, दिशा कैसी है विपरीत है, और दिशा विपरीत है तो क्या करेंगे भाई 60 प्लस 50 इनटू टाइम कितना भाई, टाइम मिलने का समय कितना है, कितने घंटे बाद मिलती है 12 घंटे बाद, यानी कि टाइम कितना 12, 60 और 50 कितना 110 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई 2 2 और 1 3 और 1 यानी कि 1320 कितना हो जाएगा 1320 किलोमीटर। यही तो पूछा था ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या हो स्पीड इंटू टाइम, ए और बी के बीच की दूरी स्पीड 50 और 60 है, दिशा कैसे विपरीत है, और विपरीत होगी चाल को जोड़ देंगे, इंटू समय कितना भाई यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे लगते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे लगते हैं, यानी कि दोनों गाड़ियाँ कितने समय बाद मिलती हैं 12 घंटे बाद मिलती हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका 65वां, तो देखना भाई 65वां क्वेश्चन क्या कहता है, 65वां क्वेश्चन कहता है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 330 किलोमीटर है, किसके बीच की भाई ए और बी के बीच की, तो देखना ये दो पॉइंट मान लिया मैंने, एक ए और एक बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी 330, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ए मान लिया और एक क्या मान लिया बी। अब देखना क्वेश्चन क्या बोला आगे, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे, ए से
बी की ओर कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। और इसकी चाल कितनी दे रखी है भाई, 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे बोला इसने, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ, एक बी से ए की तरफ है और कितने बजे चलती है भाई, 9 बजे चलती है। कितने बजे, 9 बजे। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, क्या पूछा है, टाइम पूछा है, कितने बजे मिलेंगे। टाइम बराबर क्या होगा भाई, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखना क्वेश्चन को ध्यान समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये गाड़ी कितने बजे चली, 8 बजे, उसकी स्पीड कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितने बजे चली, 9 बजे। आपको यहाँ पर टाइम का बहुत ध्यान रखना, ये 8 बजे चली, ये 9 बजे चली, तो देखना ये तो अभी खड़ी है भाई, तो हम क्या निकालेंगे कि जो गाड़ी 8 बजे जो चली उसने 9 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली, 9 बजे तक इसने जो 8 बजे चली कितनी दूरी तय कर ली। डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टू टाइम, तो देखना स्पीड कितनी इसकी 60 है और टाइम कितना होगा, 8 बजे से कितने बजे तक का निकालना है, 9 बजे तक का, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, तो देखना कितनी, 60 किलोमीटर। तो देखना ये गाड़ी अभी खड़ी है और इसने 9 बजे तक कितनी, 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली। मैंने मान लिया यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी, 60 है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कितनी, 60। अब बताना मुझे, 60 तो ये तय कर चुकी है, अब यहाँ टाइम कितना हो गया भाई, 9 बज गए, ठीक है, कितने बज गए, 9। समय दोनों कैसा हो गया, सेम हो गया। अब ये भी चल रही है, ये तो चल ही रही थी पहले, अब 9 बजे ये भी स्टार्ट हो जाएगी, कौन से, बी से ए की तरफ। अब देखना यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर, तो इधर जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, टोटल कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, 330 थी, 330 में से इसे 60 माइनस कर देंगे, यानी ये जो डिस्टेंस बचेगी कितनी बचेगी, 270 किलोमीटर। अब देखना आपको इस 330 से कोई मतलब नहीं, 60 किलोमीटर तो पहले चल चुकी है, हमें जो मतलब किससे मतलब है, 270 किलोमीटर से। क्यों, क्योंकि अब ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, जब दोनों एक साथ चलना शुरू होंगे वो वाली हम डिस्टेंस लेंगे। तो देखना जब दोनों एक साथ जब दोनों चलेंगे तब कितनी दूरी तय करेंगे दोनों, 270, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 270 किलोमीटर। तो देखना टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी होगी, 270, कितनी, 270 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताना डायरेक्शन कैसे, एक जाती ए से बी की तरफ, एक आती बी से ए की तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों की चालों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और चाल देखेंगे एक की 60 है और एक की कितनी है, 75, यानी कि 60 प्लस 75 कितना हो जाएगा भाई, 270, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, 135। ये क्या आपका किलोमीटर, और क्या किलोमीटर प्रति घंटे, यूनिट चेंज करने को जोड़ देंगे, 135 से कितने में कट जाएगा, 2 बार, यानी आपका समय होगा 2 घंटे, यानी 2 घंटे बाद में, कितने 2 घंटे बाद, 9 बजे के 2 घंटे बाद, यानी कि 9 बजे से चलना स्टार्ट होती है, ये भी 9 बजे चली, ये भी चल रही है, अब 9 बजे के 2 घंटे बाद, यानी कि वह दोनों गाड़ी कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे। कितने बजे भाई, 11 बजे, ठीक है, 8 में ऐड नहीं करना, जब दोनों गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएंगी उसके बाद का समय देखते हैं, ठीक है, कितना, 11 बजे। सिंपल क्वेश्चन था, कौन सा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 66, और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है 100 किलोमीटर दूरी पर दो स्टेशन ए तथा बी हैं। तो ये भी देखना, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो भाई, ठीक है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाएगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे, और क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे। 100 किलोमीटर की दूरी है और दो स्टेशन दे रखे हैं, कौन, ए और बी, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक मान लिया। आए क्या बोला इसने, एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे, ए से बी की तरफ कितने, ए से कितने, 10 बजे, और दूसरी भाई स्पीड भी दे रखी है, कहाँ दे रखी, कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 बजे जो चलती है उसकी कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आगे क्या बोला इसने, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे, अच्छा ये भी भाई 10 बजे चलती है, दोनों का समय देख रहे हैं, दोनों एक साथ चल रही हैं, तो यहाँ पर तो कुछ करने को मुझे लगा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी भी स्पीड और इसकी भी स्पीड है, ठीक है, वे किस समय मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ टाइम कितना है 10, और यहाँ भी कितना है टाइम 10,
अब यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत है क्योंकि दोनों साथ साथ चलना शुरू करती हैं। तो बताओ हमें क्या पूछा यहाँ पे, क्या पूछा है, समय पूछा है ना, समय। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखना दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 100 किलोमीटर। स्पीड कितनी भाई, 20 और 30। डायरेक्शन कैस अपोजिट है भाई, एक इधर से जाती है और एक इधर से आती है, यानी कि 20 और 30 कितना 50, 50 से कितने में कट जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 घंटे समय। कितने बजे चलती है, 10 बजे, यानी कि ये दोनों कितने बजे मिल जाएंगे, 10 बजे के बाद 2 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, और ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे पर बंगलौर से छूटती है। कहाँ से छूटती है भाई, बंगलौर से। कितने बजे, 5 बजे, और 9 बजे पर धर्मावरम पहुंचती है। तो देखना यहाँ मैंने बंगलौर को बी लिख दिया और धर्मावरम को मैंने लिख दिया भाई डी। ठीक है, और कितने बजे चली, 5 PM पर, यानी कि शाम के 5 बजे, और कितने बजे पहुंच गई, 9 बजे। ठीक है, इधर से चली 5 बजे और 9 बजे पहुंच गई। ठीक है, आगे क्या बोला, कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे धर्मावरम से, और धर्मावरम ने ये माना कितने बजे भाई चलिए, ये चलती है 7 बजे, ये चली 7 बजे, और कितने बजे पहुंचती है भाई, ये पहुंचती है 10:30 पर, 10:30 पर, जो इधर से चलती है बंगलौर पहुंचती है। किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी, क्या पूछ रहा है भाई, समय पूछ रहा है। तो देखना समय कैसे निकालेंगे भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस और स्पीड दोनों गिवन होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान मत होना। आप देख रहे हैं ना, तो हमें डिस्टेंस पता ना स्पीड पता, कैसे निकालेंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। देखना हमें टाइम तो पता है, बताना एक गाड़ी जो इधर से जाती है बंगलौर से धर्मावरम की ओर, वो कितने समय में पहुँचती है। आप देखेंगे 5 बजे चली, 9 बजे पहुँच गई, यानी कि उसने जो समय लिया वो कितना लिया, 4 घंटे। ये तो सही भाई, जो इधर से जाती है, कहाँ से, बंगलौर से जाती है और धर्मावरम की ओर, और धर्मावरम से बंगलौर की तरफ जो आते उसने कितना समय लिया, 7 बजे चली और कितने बजे, 10:30 पर, कितना समय लिया भाई इसने, 7 से और 10:30 तक कितना समय हुआ, 3 घंटे और कितना हुआ, 30 मिनट। ये तो बार निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना इस 30 मिनट को आप घंटे में चेंज कर लो, तो 3 तो घंटे आइए, और 30 को जब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे, 30 से कम 30, 30 2 60, यानी 1/2, यानी कि 3 सही 1/2 घंटे। क्या ले सकते इसे, 2 3 6 6 और कितना हो जाएगा, 7/2 घंटे। अब देखना आपको समय तो पता पड़ गया कि इधर से जो गाड़ी गई इधर के लिए उसने कितना समय लिया, और जो इधर से इधर आए उसने कितना समय लिया, एक ने लिया 4 घंटे, एक ने लिया 7/2 घंटे। क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैसे कॉन्स्टेंट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, जो गाड़ी इधर से इधर जाती है जितनी दूरी उसने तय की है, और जो इधर से इधर आते उसने भी वही दूरी तय की है, दूरी दोनों ने बराबर तय की है, दूरी कैसे कांस्टेंट है, और जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमें डिस्टेंस ना मालूम हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 का और इस 7/2 का। आप इस 2 से परेशान मत होना, सिर्फ आप 4 और 7 का एलसीएम लो, 2 से कोई मतलब नहीं। इस टाइप क्वेश्चन पहले आपको बताया कैसे एलसीएम लेते हैं, 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 28। इसे हम क्या मान लेंगे, दूरी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। तो देखना इस 4 का भाग 28 में लगाएं कितनी बार, 7 बार। किस में भाग लगा रहे हैं, दूरी में भाग लगा रहे हैं, और किसका भाग लगा रहे हैं, समय का। तो बताना क्या निकलता है, अगर दूरी में समय से भाग दूं तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगी, यानी ये जो 7 जो आई क्या निकली भाई, स्पीड निकली। इस 7/2 का 28 2 से परेशान मत होइएगा, सिर्फ आप 7 का 28 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, जितनी बार भी जाए ये जो नीचे दे रखा है इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8। अब यहाँ समझ रहे हो, इधर से जो गाड़ी जाती है उसकी स्पीड कितनी है, 7, क्योंकि इधर से जाने वाली गाड़ी का क्या, कर्नाटक एक्सप्रेस है जो भी है चलो, ठीक है, 4 घंटे लिया, और जो इधर से आती है उसने कितना लिया था, 7/2 घंटे। दोनों की स्पीड निकाली मैंने, 7 और 8। अब आपको क्या देखना, दोनों को साथ साथ चलाना है, एक ही साथ चलना शुरू होने चाहिए। ये गाड़ी चलती है 5 बजे और ये चलती है 7 बजे, दोनों को एक साथ चलाना है। तो
हम निकाल लेंगे, ये तो चल रही है पहले, ये बाद में चलती है, तो मैं क्या करूँगा, जो गाड़ी 5 बजे चली है यह 7 बजे तक कितनी दूरी तय कर ले, कौन सी ये वाली गाड़ी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई भाई, 7 आई, इंटू समय कितना, 5 बजे चल रही है और ये कितने बजे चलती है, 7 बजे। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ कि यह 7 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी, यानी कि 2 घंटे, 5 से 7 2 घंटे, तो भाई 2 घंटे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कि इसने 14 दूरी तय कर ली है। टोटल दूरी कितनी निकली थी, यहाँ से यहाँ तक 28। देखना कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी 28, कितनी दूरी तय कर ली, 14, यानी कि आधी दूरी इसने तय कर ली। अब ऐसा समय मिड पॉइंट मान लेना, से यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया, 14। तो इधर जो बचेगा वो भी कितनी बचेगी, 14 बचेगी, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये गाड़ी 5 बजे से लेके यानी कि 7 बजे यहाँ आ गई। अब देखना भाई, अब ये भी गाड़ी चलना शुरू हो गया और ये भी करना, दोनों गाड़ी अब साथ साथ चल रही, ये भी 7 बज गए, ये भी, ये तो पहले चली रही थी, अब ये गाड़ी भी चलने लगी। अब हम निकाल देंगे भाई, क्या पूछा, समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखना दूरी कितनी बची है इन दोनों के बीच में, 14 बची। चाल कितनी भाई, अब एक चीज़ बताना मुझे, डायरेक्शन कैसी है, एक इधर से जाती है उधर से, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन तो चाल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 7 और 8 15। भाई ये स्पीड ही तो निकली थी, 7 और 8 15। अब बताना हमारा ये क्या था, घंटे था, ये क्या था, घंटे था। तो हमें ये डिस्टेंस आएगी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, और ये जो हमारी स्पीड है वो किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये जो समय निकला है किस में निकला, घंटे में निकला है, तो घंटा है, लेकिन आंसर आपका मिनट में आ रहा है, किस में आ रहा है, मिनट में। तो देखना इस 14/15 घंटे है और इसे आप मिनट में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा, 15 से कट जाएगा 4 बार, और 14 × 4 में करेंगे, यानी कि 56 मिनट। 56 मिनट बाद मिलेगी, कितने बजे बाद, कितने बजे चलते दोनों बजे, ये भी 7 बजे और ये भी 7 बजे के 56 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि 7:56 पर वो दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन समझ जरूर आया होगा, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको इसमें दिक्कत हुई हो, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से इस वीडियो को सुनना मैंने क्या बोला, तो ज़रूर आपको जो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 7:56 पर। अब आप देखेंगे इस टाइप का भाई लास्ट क्वेश्चन है 68, जो कि आसान क्वेश्चन है। ए और बी दो स्टेशनों, सॉरी ए और बी, हाँ दो स्टेशनों 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, थोड़ा सा बड़ा हार्ड मीटर है भाई, चलो कोई बात नहीं, कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य गाड़ी उसी समय बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर बढ़ती है। दोनों गाड़ियों की क्रॉस करने के स्थल ए से दूरी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बनाना पड़ेगा, मैं सोचा बनाना ही नहीं पड़ेगा, ए और एक है बी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी, 500 किलोमीटर, ठीक है, यही है भाई 500 किलोमीटर है, हाँ। और ए से जो चलती है उसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 20, और जो बी से ए की तरफ बढ़ती है, बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 30। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो देखना सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि दोनों गाड़ियाँ किस बिंदु पर मिलेंगी, कितने समय बाद मिलेंगी। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चार। तो दूरी इन दोनों के बीच कितनी, 500 किलोमीटर। अपॉन डायरेक्शन कैसे, अपोजिट, एक ए से बी की तरफ जाती है, एक बी से ए की तरफ, एक की स्पीड 20, एक की कितनी, 30, यानी कि 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये गाड़ियाँ 10 घंटे बाद दोनों मिलेंगी। मैंने मान लिया कि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ जाती है 10 घंटे में, यहाँ से यहाँ 10 घंटे में, और एक गाड़ी यहाँ से यहाँ जाती है 10 घंटे में, ठीक है, 10 घंटे बाद ये मिलेंगी। क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं पूछा, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस पूछिए, क्या पूछे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से पूछिए, क्रॉस करने के स्थल ए से दूरी, ए से दूरी पूछ रहा है, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो बताना यहाँ से जो गाड़ी चली उसकी स्पीड कितनी, 20 है, और कितना समय लिया, 10। तो भाई डिस्टेंस वाला स्पीड 20 और समय कितना, 10, यानी कि 20 का 10 में गुणा करेंगे कितना, 200 किलोमीटर, आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन। आप कह दो इससे भी आंसर नहीं आ सकता, इससे भी आएगा, देखना यहाँ से अगर निकालेंगे कितनी स्पीड है, 30 है और कितना, 10 है, तो डिस्टेंस कितनी, 30 × 10 यानी कि 300। तो देखना यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी, 300। तो 500 में से अगर 300 माइनस निकलेंगे तो ये वाली निकलेगी, हमें ए से पूछा है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, तो हम इसे क्यों करेंगे, बी से ए की तरफ क्यों निकालेंगे, हम तो यहीं से निकाल लेंगे सीधा सीधा, ए से पूछा तो ए से यहाँ तक कितना समय लिया, 10 घंटे स्पीड दे रखी, 20 स्पीड इंटू टाइम, 20 × 10 यानी कि 200 किलोमीटर, ठीक है।
यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मैंने जो भी पढ़ाया अगर आपको समझ आया हो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। वही बार बार बोलता हूँ आज भी कर रहा हूँ, जितने भी आपके साथी हैं एसडीआर का मैथ पढ़ते हैं उन सभी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर किया कर, उन्हें बताया करो भाई इस यूट्यूब चैनल पर एसडीआर का मैथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।